क्षमा बड़ंग को चाहिए छोटो को उत्पात, का हरि को घटी गयो जो भृगु मारी लात। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है क्षमा। एक राजा भोजन कर रहा था। सब्जी परोसते हुए सेवक से सब्जी के कुछ छींटे राजा के कपड़ों पर छलक गए। राजा को बहुत गुस्सा है और यह गुस्सा राजा की आंखों में देखा जा सकता था। सेवक को पता नहीं क्या हुआ, उसने पूरी सब्जी राजा के कपड़ों पर उंदेल। राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया और राजा ने कहा, यह ऐसा करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? अत्यंत शांत स्वर में सेवक बोला, राजा, जब थोड़ी सी सब्जी आपके कपड़ों पर गिर गई थी, तब आपके गुस्से को समझकर मैंने ये जान लिया कि अब मुझे बचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए अगर आप मुझे मृत्यु की सजा दे देते, तो पूरा नगर आपकी बुराइयां करता, आपकी बातें बनाता। कि सेवक की छोटी सी गलती के लिए राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, इसलिए मैंने पूरी सब्जी आपके ऊपर उंधेल दी, ताकि अब सब कह सके ये गलती सेवक की ही थी, आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। राजा ने उसके गंभीर स्वरूप को एक संदेश के रूप में समझा कि हम अपने सगे संबंधी, परिवारजन, मित्र अथवा सेवक, उनकी छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ी सजा देते हैं। हम बोलना छोड़ देते हैं, हम आरोप लगाते हैं, बातें कोर्ट केस तक पहुंच जाती है। छोटी सी गलती में उनके त्याग और समर्पण को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बदला लेने की भावना होनी चाहिए। थैंक यू।